रहमान रहीम, आज हमारा छोटा सा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़, क्योंकि इस बुक में ये हमें थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन बस दी गई है फॉर दी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़। जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था वो एड्स के मुतल्लिक पढ़ा था कि दैट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट STD, इनको हम STDs कहते हैं, और यानी वो बीमारियाँ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स या सेक्सुअल एक्ट। और इसको हम अगर मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से तीन हम इम्पॉर्टेंट आज डिस्कस करेंगे। चौथी एड्स है किताब में लिखी हुई, उससे रिलेटेड उसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी आपने उसको फर्स्ट ईयर में और 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जो हम बात करेंगे, याद रखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी बीमारी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस बीमारी की वजह क्या है, फिर वो बीमारी की ट्रांसमिशन कैसे हुई, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में या बीमार आदमी को लगी कैसे इंसान को, और फिर उस बीमारी के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, और फिर उसकी कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। तो आपने बस एक बात याद रखनी है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ वी से दैट कि दी हाइजीनिक मेजर्स यानी क्लीनलीनेस को मेंटेन अगर ना किया जाए इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स तो उससे ये बीमारियां फैलती हैं और फैल सकती हैं। तो जो उसमें से इम्पॉर्टेंट ये ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो ये सारी बीमारियों की सेम है, क्योंकि दे आर स्प्रेड थ्रू द सेम थिंग, सो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड। बाकी हम बात करेंगे, सो दैट इज़ व्हाट वी से द फर्स्ट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज द गोनोरिया इन्फेक्शन। तो इसकी काज है, हम एक कहते हैं कि ये एक बैक्टीरियम है जिसको हम कहते हैं नेइसीरिया गोनोरियाए, ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है जो इस बीमारी को काज करता है। और याद रखें ये एक बेसिकली ये जो जरासीम है, ये जो बैक्टीरियम है, ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है मुख्तलिफ पार्ट्स को। वैसे ये किताब में तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेन, हम कहेंगे ये इन्फेक्शन काज करता है, इन्फेक्शन टू दी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं वो जो कवर है, फर्द किया ये जो मेरे लिप्स हैं इनके अंदर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आँख के अंदर वाली जगह जहाँ जिसके ऊपर म्यूकस होता है, ठीक है, जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, एक तरह से एपिथीलियल टिश्यू होता है इंटरनल साइड से, तो वो जो इन्फेक्शन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूरो जेनिटल ट्रैक, सिर्फ जेनिटल ट्रैक नहीं, असल में ये हम कहेंगे कि ये उन सारी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करता है जो यूरिनरी सिस्टम में यानी यूरिथ्रा में, इन केस ऑफ मेल्स एंड इवन फीमेल्स, और जो जेनिटल ट्रैक है इन केस ऑफ द फीमेल दैट इज़ द वजाइना, और इन केस ऑफ मेल दैट इज़ द सेम यूरिथ्रा, तो और उसको ये अफेक्ट करता है। और इवन ये डिजीज़ जो है बाकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स लाइक रेक्टम में भी देखी गई है और बकायदा रिपोर्ट की जाती है। सो ये इन्फेक्शन है बेसिकली, फैलती एक ही तरीके से है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स, और साइंस क्या आते हैं, ये पार्ट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं जिन पार्ट, और फिर अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली बंदे को यूरिनेशन में मसला होगा और पस निकलेगी, और फिर इस तरह के साइंस आने, यानी जो मेन चीज़ है, अगर आपको ये समझ आ गई ना कि दैट इज़ द इन्फेक्शन टू द यूरोजेनिटल ट्रैक, तो आपको समझ आ गई कि जब भी इन्फेक्शन होता है UTIs जो कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरोजेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, जब भी कहीं जगह पर इन्फेक्शन होती है, अगर हमारे मुँह में भी छाले पड़ जाए तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, या हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाए तो हमें पता है कि गले को क्या क्या मसले आते हैं। तो आप यही समझें कि इन दोज पार्ट्स जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो यूरोजेनिटल पार्ट्स हैं, अगर उनमें भी यही डिजीज़ आ जाए तो आप समझ गए हैं कि इसको क्या होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम कहेंगे जी, अब उसके मुख्तलिफ मेडिकल टर्म्स हैं, जेनिटल सोरनेस एंड पस प्रोडक्शन इन्फ्लामेशन एंड फ्ला फ्ला फ्ला, वो किताब में सारी बातें नहीं लिखी, बट यू मस्ट नो दिस बिकॉज ये हमारी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना कि सिर्फ ये पढ़ने की खाते। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आप ये समझें, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इट्स कॉज बाय अ स्पायरल, इसको हम नाम पूरा नहीं लिखा, इसको हम कहते हैं सिफिलिस, ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय अ स्पायरोकीट, यानी एक स्पायरल बैक्टीरियम है जिसको हम कहते हैं ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये कैपिटल टी है,
और आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल एल है आई थिंक, या डबल एल है, डबल एल है, सही है जी। और ये डिजीज इट्स कॉज बाय दिस वन, तो इसके अंदर भी तकरीबन से एक बात मैं भूल गया, सॉरी। एक तो ये डिजीज इज कॉज्ड बाय, इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्स। नंबर दो, अगर मैं बात करूं तो दिस डिजीज इज एक बच्चे से, एक माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात थी। अगर बच्चा बॉर्न होता है उसी ट्रैक से जो ट्रैक इन्फेक्टेड है, तो ऑब्वियसली उस बच्चे को जो है उस बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उस वक्त बच्चे के लिए जो इन्फेक्शन जहाँ हो सकती है, दैट इज़ द आइज़। तो ये क्या करती है, यानी ये बच्चे, माँ से बच्चे को भी मुंतकिल होती है, और ये बच्चे में आई, याद रखिए कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है वो आई इन्फेक्शन काज करती हैं किड्स में, क्योंकि अगर वो उसी रास्ते से बॉर्न हुआ है तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली ये भी दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, एंटीबायोटिक्स। ऑब्वियसली ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, लोगों को आगाह किया जाए और लोगों को क्लीनलीनेस और हाइजीनिक मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस डिजीज़ का, इतना ही किताब में लिखा है, वरना इस पर पूरे पूरे लेक्चर हम दे सकते हैं। ट्रिपोनिमा पेलिडम बेसिकली एक स्पायरल बैक्टीरियम है। सिंपली बात ये आप याद रखेंगे कि ये बैक्टीरियम फैलता तो सेक्सुअल एक्ट के जरिए है, लेकिन ये आराम से बॉडी के अंदर रेस्टिंग पोजीशन में भी चला जाता है और कोई प्रॉब्लम काज नहीं करता। लेकिन सडनली ये बहुत सारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे ये सडन प्रॉब्लम काज करता है, जिसमें सबसे पहली बात फिर वही बात है, क्योंकि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली के ये हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एंड जेनिटल। सो उसी तरह के साइन है, लेकिन इसके अलावा ये जेनिटल सोरनेस, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरी बॉडी के अंदर इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, आइज को अफेक्ट कर सकता है, इवन जॉइंट्स, ये सेप्टिक आर्थराइटिस, ये बेसिकली पस पड़ जाती है जॉइंट्स में भी अगर ये बीमारी इस तरह से फैल जाए। और ये बैक्टीरियम दैट कैन काज सीरियस प्रॉब्लम, पर इसका ट्रीटमेंट भी है, इट इज़ ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स अगेन। इवन मैंने एक जगह पे पढ़ा कि सिंपल पेनिसिलिन का एक शॉट भी इसको ट्रीट कर सकता है। बाकी ये भी उसी तरीके से फैलता है, साइंस इसके भी वही हैं तकरीबन, कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई हैं यानी प्लस। इन साइंस के अलावा मैंने बताया कि ये आई इन्फेक्शन, ठीक है जी, उसके अलावा मैंने कहा सेप्टिक आर्थराइटस, यानी उस बंदे के जॉइंट्स का इशू आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इवन CNS सिम्टम्स भी, इवन दिमाग को भी ये अफेक्ट कर सकता है। और फिर ट्रीटमेंट वही है, एंटीबायोटिक्स, और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी सेम है जो हमने पहले बात की है। हर्पीज सिंप्लेक्स, यानी ये एक डिजीज़ है, इसको हम बेसिकली जेनिटल हर्पीज भी कहते हैं। ये आप समझें, अगर आप गौर करें, आपने कभी देखा, अल्लाह ना करे आपने कभी देखा हो कि एक बंदे के लिप्स पे एक इन्फेक्शन होती है जिसको हम सिंपल हर्पीज कहते हैं, हर्पीज वायरस इन्फेक्शन। ये अक्सर होती है, वैसे बच्चों को भी होती है अक्सर, ख़ास तौर पर ये लिप्स और जो स्किन का जंक्शन है यहाँ पर मुख्तलिफ वो हो जाती है। अब ये जो हर्पीज और इवन लिप्स के इर्द गिर्द और इवन आइज़ में और इवन नाक में भी ये इन्फेक्शन होती है, वायरस है, एक वायरल डिजीज है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस है। और आप ये सोचें कि यही काम, यही वाली जो इन्फेक्शन है जो लिप्स पे इतना पेनफुल होती है, वही वो जेनिटल ट्रैक में भी हो जाए, सही है, और वो आप समझ गए हैं कि दिस कैन काज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो हम कहेंगे ये बेसिकली, अगर ये लफ्ज लिख दिया गया है ना, तो इट इज जेनिटल हर्पीज, तो आप समझ आ गई कि जी वो छाले से हो जाते हैं, अल्सरेटिव लीजन्स बनते हैं, छोटे छोटे ऊपर से उखड़ जाती है, फिर उसके ऊपर ब्लड भी इवन निकलता है, इवन इसमें ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द वजाइना, तो हम कहते हैं इट इज कैन बी कैरेक्टराइज बाय वजाइनल ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन, वहां सोजिश होती है, पेनफुलनेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा हम बात करेंगे, और जो बच्चा इस ट्रैक से भी है उसको भी हर्पीज वायरस इन्फेक्शन होती है, उसकी स्किन, उसकी आईज, उसके लिप्स के इर्द गिर्द के रीजन, दे कैन बी डैमेज। और इसकी काज क्या है वो भी मैंने आपको बताई, दैट इज हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप
टू वायरस, हर्पीज वैरायटी फैमिली का एक वायरस है ये आपका। और चौथी डिजीज है दैट इज द एड्स, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि मैं आपको कुछ शायद और कुछ बता भी डिजीज, तो फर्ज किया दिस इज द ट्राइकोमोनियसिस, ये एक डिजीज है दैट कैन बी। फिर इसी तरह कैंडिडिएसिस, ये एक फंगल डिजीज है, ये बल्कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी है, वेजाइनल थ्रशिज होते हैं, छाले इवन पड़ जाते हैं। तो कैंडिडिएसिस ये एक कैंडिडा एल्बिकैन एक फंगस है, उसकी वजह से है। एड्स जो है वो एचआईवी की वजह से है, ये ट्राइकोमोनियसिस ट्राइकोमोनस की वजह से है। और बहुत सारी बीमारियां हैं विच कैन बी ट्रांसमिटेड, इन बीमारियों का इलाज यही है, इन बीमारियों की इलाज तो बाद की बात है, प्रिवेंशन यही है कि इन बीमारियों से बचने के लिए जो हम कहते हैं दी हाइजीनिक और क्लीन और व्हाट वी से द जो एथिकली अलाउड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाए, अदरवाइज ये। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, हो सकता है कि आपके लेक्चर के साथ अगले लेक्चर को जो जोड़ के तो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिले, लेकिन कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज, थैंक यू सो मच।